लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार भी आखिरी दौर में पहुंच गया है। ऐसे में सियासी रण भीषण दिखाई दे रहा है। आखिरी चरण में भी नेताओं का कटाक्ष करना बंद नहीं है और सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है। इस बीच आप नेता संजय सिंह ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कुछ ऐसा कह दिया है जो सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह घोसी सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उनके साथ मंच पर सपा महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद थे। संजय सिंह ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कहती है कि 17 साल की उम्र में अग्निवीर बनने वाला युवा 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, तो हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 73 साल में रिटायर कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस बार पीएम मोदी को रिटायर कर देना है। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 48 घंटे में अग्निवीर योजना को कूड़े में डाल दिया जाएगा। संजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की सिर्फ एक झूठ बोलने की ही गारंटी है। वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार 400 पार, तो जनता भी कह रही है कि तड़ी पार। आप सांसद ने सीएम योगी द्वारा मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलाने पर भी निशाना साधा और कहा कि 5 साल सीएम रहने के बाद भी जब अखिलेश यादव ने सीएम आवास खाली किया तो इन्होंने उसे गंगा जल से धोया। इस अपमान का बदला लिया जाएगा। आप सांसद ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को दोहराते हुए कहा कि केजरीवाल ने जो भी खुलासा किया है उससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। उन्होंने जब ये कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और सीएम योगी को हटा देंगे, तो सबने ये कहा कि मोदी जी रहेंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि योगी जी भी रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के 2 महीने बाद मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर सीएम योगी का बोरिया बिस्तर बांधने का काम करेंगे।